और अभी हमारा जम्मू टूर हो गया ख़त्म, सो बाय बाय जम्मू। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनबी विद मामा। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी जम्मू स्टेशन पे आ गए हैं हम, और जम्मू से ट्रेन है, ये जो रेड कलर का ट्रेन दिख रहा है ये है राजधानी, दिल्ली राजधानी। तो ये ट्रेन हमारा है, इसी में हमें जाना है दिल्ली तक, और दिल्ली से फिर हमारा दूसरा ट्रेन है वो है सियालदह तक। और अभी सनबी घूम रही है उसके पापा के साथ स्टेशन पर, ये है जम्मू स्टेशन। और अभी हम जम्मू स्टेशन के बाहर है क्योंकि हमें थोड़ा मार्केट घूमने के लिए जाना है, और इधर नज़दीकी एक मार्केट है। हस्बैंड तो इधर पोस्टिंग रह चुके हैं तो उनको पता है, तो उन्होंने बोला चलो थोड़ा मार्केट घूम के आते हैं, क्योंकि ट्रेन में भी अभी थोड़ा टाइम है तो थोड़ा ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं इधर का, तो इसलिए थोड़ा मार्केट घूम के आते हैं। आप भी चलो देख लो। दिल्ली में सुबह ही उतर जाएंगे और फिर हमारा नेक्स्ट ट्रेन शाम को है, तो सोचा दिल्ली में इतनी देर तक बैठे ना रह के, और दीदी भी फर्स्ट टाइम आई है इधर तो थोड़ा दिल्ली घुमा लेते हैं। मैं तो दिल्ली घूम चुकी हूँ लेकिन उसने नहीं घुमा है, तो उसको घुमाने के लिए फिर हम निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। और हस्बैंड और पापा नहीं गए क्योंकि पापा जी का थोड़ा तबीयत ख़राब लग रहा था, इसलिए वो लोग वेटिंग रूम में रह गए और हम चले दिल्ली घूमने के लिए। तो चलो दिल्ली घूमते हैं। और स्टेशन के बाहर ही हमने एक ऑटो बुक कर लिया और उसी में हम घूमेंगे, जहाँ जहाँ भी स्टेशन के नज़दीक जो जो मतलब देखने के लायक है उधर ही घूमेंगे। तो फर्स्ट हम आ गए हैं अभी जंतर मंतर में। आई डोंट नो कि जंतर मंतर किस लिए बना था और इसका काम क्या है, लेकिन जो भी है जैसा भी है बहुत अच्छा है, अच्छा लगा देखने को, बहुत ही अच्छा लगा। उसका जो कंस्ट्रक्शन है, जो स्ट्रक्चर है, बहुत ही अच्छा लगा देखने को। तो किसी को अगर पता है जंतर मंतर किस लिए बना था या क्या था तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट पे बताइए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। घूम लिया अभी 5-6 जगह, नहीं 7 जगह घुमाने का बोला है ऑटो वाला, अभी देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं।
और ये देखो बदमाश एक कदम भी नहीं चल रही है, बस गोदी गोदी रहना है। अभी चिप्स दिया है, उसी के बाद ये अभी ठीक है चल रही है क्योंकि चिप्स खा रही है। अभी ये जंतर मंतर तो अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन है क्या चीज़ पता नहीं चल रहा है, गूगल करके देखना पड़ेगा। मतलब नाम सुना था लेकिन क्या चीज़ है वो नहीं पता। है बाबू चीटी काट लेगा, चीटी को मारना है उसको, चीटी मारने की। आजा 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 आजा, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अभी इधर से स्टार्ट हुआ है, मतलब स्टेशन से सीधा जंतर मंतर लेके आए हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। थोड़ा मतलब शाम को ट्रेन है, उससे अच्छा कि थोड़ा घूम लेते हैं। मैंने तो घूमा है लेकिन दीदी ने नहीं घुमाया, तो दीदी के लिए थोड़ा घूम लेते हैं। और सानवी को भी बाद में बोल सकते हैं तुझे भी दिल्ली घुमाया है, तो इसलिए फोटो वीडियोस दिखा सकते हैं। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी लगा मुझे, क्योंकि चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे लगा हुआ था, तो अच्छा लगा बहुत देख के। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इधर इतना पॉल्यूशन की प्रॉब्लम क्यों है, लेकिन ग्रीनरी तो है दिल्ली में। इंडिया गेट घूम लिया, अभी नेक्स्ट देखते हैं कहाँ। अक्षरधाम के लिए बोल रहे थे, अक्षरधाम जाना है इसलिए, तो फिर आगे देखते हैं।
अक्षरधाम में कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अलाउ नहीं है, लाइक फ़ोन, चार्जर, पावर बैंक, लैपटॉप वगैरह ये सब अलाउ नहीं है। इसलिए एक पर्ची दिया है, इसमें आपका नाम, फ़ोन नंबर और आपके पास क्या सामान है वो लिखना है और फिर उसको क्लॉक रूम में जमा कराना है और उसके बाद फिर आते टाइम ये रिसीव करना है। पीछे क्लॉक रूम है, इधर फ़ोन रखा था, सिर्फ फ़ोन ही जमा किया और पर्स का कुछ नहीं जमा किया। बस हो गया अक्षरधाम का दर्शन, बहुत टाइम लगा, बहुत बड़ा इलाका है। इधर सिक्योरिटी चेकिंग है, पर्स में जितना कुछ है सब एक ट्रे में रखना पड़ता है, फिर इसको दिखाना पड़ता है उन लोगों को, फिर दे देते हैं वापस तभी के तभी। और ये है राजघाट, आप लोगों को शायद पता हो या ना हो, तो इधर जो हमारा महात्मा गांधी जी है उनका समाधि दिया गया था इधर, तो इसी को राजघाट बोला जाता है। और ये है लाल किला, और ये हमें दूर से ही दिखाया, नज़दीक लेके नहीं गया, और यही हमारा लास्ट था। तो अभी हम आ गए हैं स्टेशन, और स्टेशन से हमारा ट्रेन भी है थोड़ी देर बाद, मतलब 2-4 घंटा बाद ट्रेन था, तो अभी चलते हैं। और अभी हम आ गए हैं सियालदह, और सियालदह से हमारा लोकल ट्रेन भी पकड़ लिया हमने घर जाने के लिए, तो हमारा सफ़र बस धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है। और इसी के साथ ही हमारा सफ़र भी ख़त्म और ये वीडियो भी ख़त्म। तो आप लोग सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक बाय।